आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो देश में अब नहीं होगी चीनी की किल्लत, मोदी सरकार ने उठाया है ये बड़ा कदम। देश में मौजूदा वर्ष में चीनी के उत्पादन में कमी देखने को मिल रही है, यही वजह है कि देश में आम लोगों को चीनी की दिक्कत ना हो, इसलिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिस वजह से चीनी के उत्पादन में जो कमी हो रही थी सरकार ने उसी उपलब्धता को बरकरार रखने के लिए यह फैसला लिया है। दरअसल मोदी सरकार ने गन्ने के रस से बने सीरा के निर्यात पर 50% शुल्क लगा दिया है, यह एथेनॉल उत्पादन का एक प्रमुख यहाँ पर घटक है। वही मोदी सरकार ने चालू सीजन में जो है चीनी उत्पादन में गिरावट के बीच ये कदम यहाँ पर उठाया है। वही सीरा के निर्यात पर जो है 50% शुल्क लगाने का मतलब है कि अब भारत से बाहर सीरा का निर्यात करने पर लोगों को जो है लोग यानी व्यापारियों को ज्यादा फायदा यहाँ पर नहीं होगा, इसी वजह से यहाँ पर सीरा देश में यहाँ पर रहेगा। इसे घरेलू चीनी उत्पादकों को यहाँ पर समस्या जो है सीरा की समस्या से नहीं जूझना पड़ेगा और जमकर चीनी का उत्पादन जो है वो हो सकेगा। बाद अब कहते हैं अगली खबर की। तो आयुष्मान भारत योजना को लेकर आया है बड़ा अपडेट, सरकार दुगुना कर सकती है बीमा कवर। केंद्र सरकार की अपनी जो महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना इसके तहत बीमा कवर को दुगुना यहाँ पर यानी 10 लाख रुपए करने का प्रस्ताव पर केंद्र सरकार काम कर रही है, वही ताकि जो है यहाँ पर कैंसर और अंग प्रत्यारोपण जैसे महंगे इलाज भी यहाँ पर जो मरीज जो है महंगे इलाज वाले मरीजों को इससे मदद मिल सके। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी जो है बुधवार को दी है। वही न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इसकी घोषणा जो है 1 फरवरी के अंतरिम बजट में की जा सकती है। उन्होंने बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से जो है किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले और निर्माण कारीगरों और इसके अलावा गैर कोयला खनन कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को अगले 3 साल में इसको जोड़कर जो है लाभार्थियों की संख्या 100 करोड़ करने की योजना सरकार जो है बना रही है। वह सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने सुनिश्चित करने में यहाँ पर जुटा है कि 5 लाख रुपए से अधिक के खर्च की आवश्यकता वाली गंभीर बीमारी जैसे कि प्रत्यारोपण और उच्च लागत वाले कैंसर उपचार आदि को भी जो है इस योजना के तहत जो है वो कवर किया जाए। इसके लिए जो है वित्तीय वर्ष 2024-25 में यहाँ पर बीमित राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार करने को यहाँ पर सरकार उसके ऊपर जो काम जो है वो कर रही है। बाद अब कहते हैं अगली खबर की। तो एयरटेल वोडाफोन के लिए कुछ खबरें देखिए, सरकार बिना नीलामी करेगी स्पेक्ट्रम का आवंटन। टेलीकॉम सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनियां जो है लॉटरी लगाने वाली है। दरअसल इन दोनों कंपनियों की लॉटरी जो है वो लगने वाली है। दरअसल इसकी वजह यह है कि दोनों कंपनियों को जो है सरकार बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम आवंटन जो है वो कर सकती है। वही सूत्रों का कहना है कि सरकार जो है भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम की जो है स्पेक्ट्रम के आवंटित जो है वो करेगी। वही CNBC आवाज की एक्सक्लूसिव सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक दोनों कंपनियां के लाइसेंस फरवरी और मार्च में यहां पर खत्म हो रहे हैं। वह सरकार द्वारा अभी स्पेक्ट्रम की नीलामी कर पाना संभव नहीं है, इसलिए माना जा रहा है कि सरकार इन दोनों कंपनियों को बिना नीलामी कराए जो स्पेक्ट्रम आवंटन जो है वो कर देगी। बात हम कहते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने खोला है खजाना, महिलाओं को 50 की उम्र में मिलेगी पेंशन, आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिलेगा मोबाइल। झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए पेंशन पाने की उम्र को मौजूदा 60 से बढ़ाकर 50 वर्ष करने का निर्णय लिया है। वे महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव जो है उन्होंने इस संबंध में प्रस्ताव को यहाँ पर अंतिम चरण की बात यहाँ पर कही है। ये प्रस्ताव फिलहाल अंतिम चरण में है। वही अंतिम चरण में ये प्रस्ताव यहाँ पर फिलहाल है। वही प्रस्ताव के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के और महिलाओं के लिए जो है पेंशन की उम्र जो है 50 वर्ष होगी। वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है 29 दिसंबर को इन्होंने इस बारे में यहाँ पर घोषणा जो है वो की थी। वही राज्य में यहाँ पर अब दलित जो महिलाएं जो होगी राज्य के अंदर आदिवासी दलित महिलाएं जो है 60 वर्ष की पूर्व यहाँ पर सीमा के बजाय 50 वर्ष की आयु में जो है पेंशन का लाभ यहाँ पर पाने में सक्षम होगी, यानी पेंशन जो है वो पेंशन का लाभ पाएगी। वही आगे उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि अगली बैठक में जो है प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी जो है मिल जाएगी। उन्होंने कहा है कि इसे लागू होने के बाद झारखंड में अतिरिक्त 18 लाख लाभार्थी पेंशन योजना से जुड़ पाएंगे। बाद अब कहते हैं अगली खबर की। तो गूगल पे से अब विदेश में भी कर सकेंगे UPI पेमेंट, कंपनी ने NPCI के साथ किया है समझौता। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए NPCI लगातार कई कदम उठा रही है। अब भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में जो है UPI के जरिए पेमेंट जो है हो सकती है। दरअसल UPI पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए NPCI और गूगल के बीच जो है एक समझौता यहाँ पर हुआ है। वही गूगल के बीच जो समझौता जो है यहाँ पर हुआ है, पार्टनरशिप जो है वो हुई है।
व गूगल इंडिया सर्विसेज और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने भारत से बाहर के देशों में यूपीआई भुगतान करने के लिए पार्टनरशिप जो है वो किया है, समझौता ज्ञापन यानी MOU जो है भारतीय यात्रियों को जो है गूगल पे जो है उसके जरिए अन्य देशों में भुगतान जो है वो भारतीय यात्री कर पाएंगे। वैसे में विदेश जाते समय कैश या फिर विदेशी करेंसी ले जाने की समस्या से जो है वो छुटकारा मिलेगा। वही भारत के बाहर के यात्रियों के लिए यूपीआई पेमेंट के इस्तेमाल को व्यापक बनाना यहाँ पर जाता है, वही से विदेशों में जो आसानी से लेन देन जो है वो कर पाएंगे। वही MOU का उद्देश्य जो है अन्य देशों में यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट सिस्टम को जो है स्थापित करने में सहायता करना है। ये निबद्ध वित्तीय लेन देन के लिए एक मॉडल यहाँ पर देता है। यूपीआई जो है बुनियादी ढांचे का उपयोग करके देश के बीच क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल एक्सचेंज प्रोसेस को आसान बनाने पर ध्यान देता है।